बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आर 17th लेक्चर ऑन ऑप्टिमाइजेशन। द कोर्स कोड इज़ MTH374 एंड इट्स फॉर मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअल कैंपस। राइट, सो इट्स आर 17th लेक्चर एंड एज यूजुअल अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। राइट, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डाइकोटमस सर्च एंड Fibonacci सर्च। ओके, सो व्हाट इज़ डाइकोटमस सर्च? हम करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन हम के लिए हम कुछ नए मेथड्स डेवलप कर रहे हैं। बहुत सिंपल मेथड्स हैं जिनको हम सर्च मेथड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इन सर्च मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली फंक्शन की वैल्यूज़ को हमने लेना है और ढूंढना है कि उस पूरे इंटरवल में जो फंक्शन के साथ इंटरवल गिवन है उसके अंदर फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पे और फंक्शन का मिनिमा कहाँ पे। कोई बेसिकली टेक्निक हम यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट बेसिकली सर्च करना। हमने उस इंटरवल के अंदर पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो दोनों हमने वैल्यूज इसमें चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है और मिनिमम वैल्यू भी चेक करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमा भी हम चेक करेंगे और मिनिमा भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है सर्च मेथड्स। और हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस हमारे जब हमने यूजुअल मेथड हमने एनालिटिक यूज़ करना होता है उसमें फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, सारे फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होते हैं। और इसी तरह फिर आप कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव भी डिमांड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी भी डिमांड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस में बहुत कम होल्ड करती हैं। ठीक है, तो हम अब ऐसे फंक्शंस की बात करना चाह रहे हैं जो फंक्शंस कंटिन्यूस ना हो और फंक्शंस डिफरेंशियबल ना हो। तो ऐसे फंक्शंस की हम जो है मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने ये सर्च मेथड्स यूज़ करें। तो डाइकोटमा सर्च में क्या होता था, एक सबसे इससे पहले एक बेसिकली ब्रूट फोर्स मेथड जिसको हमने कहा था वो ये था कि आपने जो भी आपका इंटरवल है उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एन पॉइंट्स ले लें उसमें, लेट्स से इक्वली स्पेस्ड एन पॉइंट्स ले लें, उन सब के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करें फंक्शन की, जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा है आपका। ठीक है, अगर आप मैक्सिमा कैलकुलेट करें तो फिर उसके बाद थोड़ा हम सिस्टमेटिक मेथड कर रहे हैं। डाइकोटमस सर्च में हम ये कहते हैं कि आपने इसको टू पॉइंट सर्च भी कहते हैं कि आप अपना जो इंटरवल है जिसमें आप मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करें उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, इंटरवल को टू पार्ट्स में डिवाइड करें और क्या हो, आपका इंटरवल जो है हर स्टेप के ऊपर जब आप डाइकोटमस या टू पॉइंट सर्च कर रहे हो हर स्टेप के ऊपर आपका जो इंटरवल है वो हाफ रह जाए जिसमें आप मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढेंगे। एक स्टेप करेंगे पूरे इंटरवल में आप वैल्यूज ढूंढेंगे, फिर आपका इंटरवल हाफ रह जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ, उसके अंदर वैल्यू आप मैक्सिमा मिनिमा होगा और आधा जो हाफ आपने डिस्कार्ड कर दिया उसमें मैक्सिमा मिनिमा लाई नहीं करेगा। तो इस तरह आप इसको बनाते हैं डाइकोटमस सर्च को। और इसमें बेसिकली सर्च पॉइंट्स लेने होते हैं ना आपने, तो इंटरवल को हाफ में डिवाइड करना है, लेकिन हाफ आप हर स्टेज के ऊपर दो सर्च पॉइंट लेते हैं, उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी में से मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढते हैं। तो वो सर्च पॉइंट्स कैसे लेते हैं, आप बेसिकली फंक्शन का मिड जो इंटरवल है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका मिडल पॉइंट जो है, उस मिडल पॉइंट से एक लेफ्ट पे और एक राइट पे दोनों इक्वे डिस्टेंस पॉइंट लेने हैं, एक लेफ्ट पे लेना है एक राइट पे मिड पॉइंट के, और दोनों इक्वे डिस्टेंस, और उसमें हम बेसिकली एप्सिलॉन बाई टू ऐड करते हैं मिड पॉइंट में और एप्सिलॉन बाई टू सब्ट्रैक्ट करते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू हम काफ़ी स्मॉल लेते हैं, लेंथ ऑफ द इंटरवल के रेशियो से हम बहुत स्मॉल लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू। तो वो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है और उससे आपको दो सर्च पॉइंट मिड पॉइंट के, एक लेफ्ट पे मिल जाएगा एक राइट पे। तो ये सिमेट्रिक टू पॉइंट सर्च भी इसको कहते हैं कि दोनों पॉइंट जो हैं ये सिमेट्रिक होंगे, लेफ्ट पे और राइट पे दोनों का डिस्टेंसेज जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये बात है। अब इसमें हमने ये करना है कि इन दो सर्च पॉइंट्स हर स्टेज के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स लेंगे, उनके ऊपर वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, जो उसमें मैक्सिमम है जो उसमें मिनिमम है वो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, फंक्शंस हम सारे के सारे यूनि मॉडल ले रहे हैं। ओके, सो फंक्शन सारे के सारे यूनि मॉडल है, मतलब उस पूरे इंटरवल के अंदर उनका एक ही मैक्सिमा है,
या ए के मिनिमाइज, दो नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब डाइकोटमस सर्च की बात होगी, इसमें अब इंटरवल कैसे हाफ करना है, अब दोनों पॉइंट्स के ऊपर, दोनों सर्च पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू आपने कैलकुलेट की, एक इन जो है वो मिड पॉइंट के लेफ्ट पे, एक मिड पॉइंट पे राइट पे। तो अब दोनों के ऊपर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक साइड पे, एक पॉइंट पे वैल्यू बिगर आएगी, एक पॉइंट पे वैल्यू स्मॉलर आएगी। तो जिस तरफ वैल्यू बिगर है उस तरफ मैक्सिमा आपका लाया करता है, ठीक है। जिस तरफ वैल्यू आपकी बिगर है फंक्शन की, उस तरफ फंक्शन का मैक्सिमा लाया करेगा। तो अब वो वाला इंटरवल ले लेंगे, दूसरा आप छोड़ देंगे। तो अब हर स्टेज के ऊपर हम इंटरवल हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो अब जो मिड पॉइंट के राइट पे पॉइंट होता है ना, अगर आपका जो मैक्सिमा है वो लेफ्ट वाले पॉइंट पे आ गया, तो जो राइट वाला पॉइंट है वहाँ तक हम इंटरवल ले लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा मिड से, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि हम कोई पॉइंट मिस ना कर दें, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ले लेंगे और इसी तरह आप हर स्टेज के ऊपर इंटरवल को डिवाइड करते रहेंगे। तो हर स्टेज के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स इसी तरह इंक्लूड करेंगे तो आपके पास डाइकोटमस सर्च बन जाएगी, टू पॉइंट सर्च बन जाएगी, सिमेट्रिक टू पॉइंट सर्च बन जाएगी। इसी तरह एक और हमने मेथड किया था, वो उसको हमने फिबोनाची सर्च कहा था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये फिबोनाची सर्च का एक ये वर्जन है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्जन हैं। आज मैं आपको एक और वर्जन प्रेजेंट करूंगा, और वो वाला वर्जन जो है, जो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा क्लोज है फिबोनाची सर्च के, ठीक है। तो जो फिबोनाची सर्च है वो ज़्यादातर लोग उस वर्जन को कहते हैं जो मैं आज प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम वाला वर्जन है उसमें हमने फिबोनाची सीक्वेंस यूज़ की थी, फिबोनाची सीक्वेंस की एलिमेंट से हमने सर्च पॉइंट्स निकाले थे। वो हर स्टेज के ऊपर हम दो सर्च पॉइंट लेते थे और हमारे पास वैल्यूज आती थी। तो उसकी वो भी सॉर्ट ऑफ फिबोनाची डाइकोटमस सर्च कंबाइन करके हमारे पास वो मेथड है। आज हमने जो मेथड करना है वो ज़्यादा लोग उसको फिबोनाची सर्च कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिन जो बुक्स आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से बेसिकली होता है, लेकिन जो आज मैं मेथड कर रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक इसको फिबोनाची सर्च मेथड कहती है, ठीक है। तो ये मतलब इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जब मैं रेफर करूँगा फिबोनाची सर्च को अब से, तो फिबोनाची सर्च जब मैं कहूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाला वर्जन फिबोनाची सर्च का जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्जन टू बेसिकली, ठीक है। तो आज हमने फिबोनाची सर्च का एक और वर्जन करना है। फिबोनाची सर्च वही, आपके पास इनिशियली टू सर्च पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसके बाद फिबोनाची सर्च ये कहेगी कि आप दो की बजाय एक ही सर्च पॉइंट कैलकुलेट कर लें। तो आपको पता है कि इसमें फिबोनाची नंबर्स यूज होते हैं ना, तो फिबोनाची नंबर्स हमें चाहिए होंगे हर स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास आज के टॉपिक्स क्या हैं, बेटर वर्जन ऑफ फिबोनाची सर्च, मतलब इसी को हम फिबोनाची सर्च कहेंगे अब से ऑनवर्ड्स। दूसरा, हमने गोल्डन सेक्शन सर्च की बात करनी है, और फिर स्टीपेस्ट असेंट और डिसेंट मेथड्स, ये ग्रेडियंट के मेथड्स हैं, इसको भी हमने देखना है, ठीक है। एक से ज़्यादा हैं ये, तो अगर टाइम हुआ तो हम इनकी डिटेल में भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, राइट। सो फिबोनाची सर्च की हमने एग्जांपल करनी है, एक वही एग्जांपल है, हमने इसको डाइकोटमस सर्च से भी किया, फिर नेक्स्ट जो फिबोनाची डाइकोटमस कॉम्बिनेशन सर्च थी उससे भी किया, फिर ये अब फिबोनाची सर्च इसको हम कहेंगे अब से ऑनवर्ड, उससे भी हम यही एग्जांपल करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ओके, क्या है मेरे पास, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स विद इन द इंटरवल 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं 14 पॉइंट सर्च, ठीक है। n इज इक्वल टू 14 होना चाहिए, और एप्सिलॉन हमारा है 0.0001 रेडियंस। अब इस फंक्शन के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा पता है कि इसका मैक्सिमा कहाँ पे है, और आपको पता था कि जो मैक्सिमा पॉइंट है वो 0.8 और 1 के दरमियान था, और इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.5 और 0.6 के दरमियान थी गालिबन, ठीक है। तो ये हमने रफली देखा था, और इसको हमने डाइकोटमस सर्च से देखा था, फिर फिबोनाची डाइकोटमस सर्च जो हमने किया था उससे भी हमने देखा था। अब इस सर्च से भी देखते हैं जिसको हम मेनली फिबोनाची सर्च कहेंगे, ठीक है। ओके, सो ये जितने भी मैं मेथड्स कर रहा हूँ इसकी मैथमेटिकल साइड भी है चीज़ों की, मैथमेटिकल साइड हमें पता होनी चाहिए,
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेथड्स लर्न कर लें इस कोर्स में। अगर मैं इसको एज अ मैथमेटिक्स कोर्स, ज़्यादा कोर मैथमेटिक्स कोर्स पढ़ाऊँगा तो फिर शायद मैं मेथड्स की जो मैथमेटिकल वर्किंग है वो ज़रूर शो करूँगा। लेकिन यहाँ पे इस कोर्स में मैं चाह रहा हूँ कि ये एज अ मोर प्रैक्टिकल कोर्स हो जिसमें हम चीज़ों को लर्न करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। ओके, सो मैथमेटिकल साइड चीज़ों की यहाँ पे इतनी नहीं होगी, लेकिन आपको मेथड होपफुली पता चल जाएगा क्या है। तो जो भी चीज़ आप देखें, ये आप बेसिकली आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये ऐसे होती है। हालांकि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इवन आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी सारी मैथमेटिकल डिटेल की बन है, तो अगर आप पढ़ना चाहें ज़रूर उसको देखें। लेकिन हम कोशिश इस कोर्स में कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स आप लर्न कर लें ताकि उनको आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो अगर मतलब आपको मैथमेटिकल साइड चीज़ों की नहीं भी पता तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, हम इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर की होंगी। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल को हमने सॉल्व करना है और हम क्या कर रहे हैं, फिबोनाची सर्च लगा रहे हैं। जो मेन हमारा फिबोनाची सर्च जिसको हम आज से कहेंगे वो है, सबसे पहले आपने फिबोनाची सर्च से कैलकुलेट करना है L2। ठीक है, L2 कैलकुलेट करना है। L2 में क्या होगा, ये L2 है, एक इनिशियली आपकी L1 होगी। आपके पास हमेशा फंक्शन के साथ इंटरवल गिवन होता है ना, तो इस केस में आपके पास इंटरवल गिवन है 0 से π। ठीक है, तो इस इंटरवल की लेंथ जो है वो है π-0, तो ये आपका L1 है। ठीक है, तो अब ये L2 उस इंटरवल की लेंथ है L2 जो आपके पास आएगा जब आप टू पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे ना, अपने इंटरवल L1 के अंदर टू पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद जो इंटरवल आएगा जिसमें अब मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा वो इंटरवल L2 है। ठीक है, अब इसका इसमें मैक्सिमा उस इंटरवल में जिस इंटरवल में लाई करेगा वो इंटरवल है। सो L2 इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल विच रिजल्ट्स आफ्टर सिक्वेंशियल प्लेसमेंट ऑफ टू सर्च पॉइंट्स। ठीक है, तो इस इंटरवल की लेंथ L2 है जिसके अंदर आपका नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस तरह आप L3, L4, LN सब फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब मैथमेटिकली पॉसिबल है कि आप ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें N हमारे पास 14 है ना, N हमारे पास 14 है। ठीक है, तो आप फिबोनाची नंबर्स आपको होपफुली पता होगा, Fn-1 क्या है, सो F13 क्या है और F14 क्या है। F14 शायद 610 था और F13 था शायद 377 आई थिंक। ठीक है, यही था, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 377/610 ये रफली हमारे पास आएगा इसमें। तो ये हमारे पास फिबोनाची नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं L2 यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो L2 क्या आएगा, 377/610 इंटू यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल L1 क्या है, पाए है। ठीक है, पाए है प्लस -1/14/610। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है 0.0001। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप देख लें, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ज़ाहिर है, तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इसको 377/610, तो ये हो जाएगा 0.618032 इंटू 3.141593। यहाँ तक हम ले रहे हैं वैल्यूज, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1.94160। ठीक है, 7 भी ले लें। ओके, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, -1/14 क्या होगा, 1 हो जाएगा ना। और बेसिकली आपने ये करना है कि ये वैल्यू है 0.0001, इसको डिवाइड करना है आपने 610 से, तो ये आपके पास आ जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1.63×10⁻¹। ये वैल्यू आ रही है, इसको आप ऐड कर दें इसमें, प्लस 1.941607, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1.94
1607, यही वैल्यू आ रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है कोई इतनी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। 164 इसके बाद आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डिजिट्स लेंगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। राइट, सो ये आपके पास हो गया। ये आपका एप्सिलॉन था, N14 था और ये सारी चीज़ें आपके सामने। ओके, ये आपकी L2 हो गया। L2 आपने फाइंड कर लिया, तो L2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। L2 आपके पास आ गया 1.94, 1.94, 1607, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई अगर L2 की। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्च पॉइंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। सर्च पॉइंट आपके पास होंगे X1 इज इक्वल टू बी माइनस L2, ठीक है। ये आपका X1 है और X2 होगा A प्लस L2, ठीक है, A प्लस L2। तो B आपके पास पता है आपको क्या है, पाई माइनस 1.941607, तो 3.141593 में से ये आपने माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये वाली वैल्यू आ रही है 1.199985, ठीक है। और ये क्या वैल्यू आ रही है, जीरो, X2 आपका जीरो है ना, 0 प्लस L2, तो ये L2 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.941607। ये आपके पास दो सर्च पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये दो सर्च पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो वैल्यू आप फंक्शन की फाइंड करेंगे तो y ऑफ x1 क्या आ जाएगा, y ऑफ x1 आएगा आपके पास, हमारे पास आएगा 1.199985 इंटू कॉज ऑफ 1.199985, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.434840, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, y ऑफ x2 आपके पास आएगा 1.941607 कॉज ऑफ 1.941607, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.7035, ठीक है, 3582। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब ये y ऑफ x1 जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर है y ऑफ x2 से, ठीक है ना। तो अब आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था मैक्सिमम। तो आपकी जो मैक्सिमा है वो इस तरफ लाई करेगा ना इंटरवल के, तो आपने जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या लेना है, मैक्सिमा लाइज इन द इंटरवल, मैक्सिमा लाइज इन द इंटरवल कहां से, 0 से 1.941607, यहां तक मैक्सिमा लाई करेगा, ठीक। अब इसमें यहां पे आके फिबोनाची सर्च जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। फिबोनाची सर्च यहां पे आके चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी, अब इस इंटरवल में आपने दो सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं ना, इस इंटरवल के अंदर क्या करना है, दो सर्च पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं। तो अब जो दो सर्च पॉइंट्स आपने इसके अंदर लेने हैं वो उनमें से एक सर्च पॉइंट ऑलरेडी इस इंटरवल के अंदर हमें पता है, कौन सा पता है। अब ये देखें, 0 से 1.941607 आपने लिया ना, इसमें से एक पॉइंट आपको पता है इस इंटरवल में जो लाई करता है वो है 1.1999985, वो इस इंटरवल में डेफिनेटली लाई करता है ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम एक लेंगे, तो एक पॉइंट हमारे पास, एक सर्च पॉइंट जो है वो आ जाएगा 1.1999985, एक पॉइंट यही आएगा। दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है, दूसरा सर्च पॉइंट इस स्टेज पे और इसके बाद जितनी भी स्टेजेस आएंगी, दूसरा सर्च पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, वो पॉइंट आप फाइंड करेंगे ए प्लस 1.941607 माइनस 1.1999985, ठीक है। तो ये इस तरह आप दूसरा सर्च पॉइंट हमेशा फाइंड करेंगे।
तो इस सर्च पॉइंट को अगर मैं कह देता हूँ ये वाला X4 होगा, जो बिगर होगा ना उसको हम बाद में रखेंगे और जो स्मॉलर होगा उसको हम पहले रखेंगे। तो मेरा क्लेम है कि ये वाली जो वैल्यू है ये शायद बिगर आएगी। तो ये X4 है, तो यहाँ पे X3 जो है वो आएगा, X3 इज इक्वल टू A0 आएगा ना, 0 प्लस, ये आप कैलकुलेट कर लें, यह आ जाएगा 1.94 1607 -1.1999 1.1989 85। ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.741622। तो X3 आपके पास आ जाएगा 0.741622। ठीक है, तो ये आपके पास आप दो सर्च पॉइंट्स आ गए हैं। इनमें से एक सर्च पॉइंट के ऊपर आपको सारी वैल्यूज पहले ही पता है, दूसरे सर्च पॉइंट के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह ये जो फिबोनाची सर्च है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है कि अब आपने 14 पॉइंट्स तो लेने हैं, लेकिन 14 पॉइंट्स अब फिबोनाची जो हमारे पास पहले डाइकॉटमस मेथड था उसमें, और उसकी निस्बत ये वाले 14 पॉइंट्स जो हैं ये अब बहुत आपको क्लोज रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपने हर स्टेज के ऊपर अब एक ही नया पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट सर्च की है, ठीक है, 14 पॉइंट सर्च के लिए अभी हमें 11 और स्टेप्स करने हैं, तो हम 14 पॉइंट सर्च के ऊपर पहुंचेंगे। तो जब तक हम 14 पॉइंट सर्च के ऊपर पहुंचेंगे हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा है वो बहुत क्लोजली सैंडविच हो जाएगा। ये हम मैं एम्फेसाइज करूंगा अभी, इस एग्जाम्पल का डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा भी हमें पता है तो इसको हम एम्फेसाइज करेंगे कि ये कैसे होगा। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसको लेके चलूं थोड़ा सा आगे, तो आपको पता है कि X3 मेरे पास आ गया था, X3 की वैल्यू है 0.741622 और X4 की वैल्यू क्या है 1.1989 85। ठीक है, यही वैल्यूज है ना, 1.1989 85। ओके, अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। y ऑफ X3 क्या आएगा, ये आएगा 0.741622 cos ऑफ 0.741622, तो ये आ जाएगा 0.54 0.546852। ठीक है, अब इस X4 के पॉइंट के ऊपर तो वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना हमें, X4 के पॉइंट के ऊपर वैल्यू हमें पहले ही पता है। वो वैल्यू क्या थी, y ऑफ X4 था हमारे पास 0.434840 0.434840। अब इनमें से देखें कौन सी वैल्यू बिगर है, X3 की वैल्यू बिगर है ना, y ऑफ X3 इज बिगर देन y ऑफ X4। ठीक है, इसका मतलब है जो फंक्शन का अब मैक्सिमा है वो कौन से इंटरवल में है, वो इंटरवल है 0 से 1.1989 85। ठीक है, इस इंटरवल में मैक्सिमा चला गया ना। अब इस इंटरवल में दोबारा आपने सर्च पॉइंट्स लेने हैं। एक सर्च पॉइंट आपको अभी पता चल गया कि एक सर्च पॉइंट कैसे आएगा, एक सर्च पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा X6, हमें पता है X6 इसके अंदर सर्च पॉइंट है 0.741622, जो बिगर होगा उसको लेंगे और मेरा क्लेम यह है कि यही बिगर आएगा। तो X5 क्या आ जाएगा, वो आएगा 0 प्लस 1.99985 -0.741622। तो ये कैसे X5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं A प्लस ये जो भी B होगा, B माइनस इस इंटरवल का B माइनस जो आपका यहाँ पे सर्च पॉइंट होगा प्रीवियस केस में। तो इस केस में जो सर्च पॉइंट, जो भी सर्च पॉइंट आपका X6 आप ले लें से ये है। तो पिछले केस में कैसे किया था, A प्लस B माइनस X4। ठीक है, ये आपका X5 है और ये आपका क्या था, ये X3 था। तो इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे, एक सर्च पॉइंट जो पता है उसको B में से माइनस कर देंगे और A उसमें ऐड कर दें, आपके पास दूसरा सर्च पॉइंट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है उस मेथड की निस्बत जो डाइकॉटमस सर्च था। अब ये कर लें आप इसको कैलकुलेट, क्या आ जाएगा ये 1., सॉरी ये 1 है यहाँ पे 1.1989 85 -0.741622। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1
4, 5, 8, 3, 6, 3 और ये x6 आपके पास आपको पता है, इसके ऊपर वैल्यू भी पता है फंक्शन की y ऑफ x 5, बस हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ 0.458363, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास एक्स फाइव की वैल्यू है 0.41104049, ठीक है। और ये एक्स सिक्स की के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपको पता है ना पहले, तो ये है वाई ऑफ एक्स सिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.546852। अब ये आपको पता है वैल्यू, अब इस आपको पता है ये वाली अब वैल्यू कम है, तो मैक्सिमा इस तरफ चला गया ना, तो मैक्सिमा जो है वो कहाँ पे अकर करेगा, अब मैक्सिमा अकर करेगा 0.458363 से, जो एंड पॉइंट था 1.1985, यहाँ तक मैक्सिमा अब आ जाएगा, ठीक है। इंटरवल उसी तरह बिल्कुल हम कर रहे हैं जिस तरह हम पहले करते थे। अब इसमें आपने दो सर्च पॉइंट्स दोबारा से ढूंढने हैं, तो x7 और x8, ये शायद लास्ट स्टेप होगा जो मैं करूँगा, मे बी एक स्टेप हम और कर लें, लेकिन हमने इसको जल्दी से फिनिश करना है। ओके, x7 क्या आ जाएगा आपके पास, x7 आपने फाइंड करना है, तो एक तो वैल्यू इसी में से आ जाएगी ना, तो कौन सा सर्च पॉइंट इस इंटरवल में पहले ही लाई कर रहा है, वो सर्च पॉइंट है 0.741622, ठीक है, ये वाला सर्च पॉइंट इस इंटरवल में पहले ही लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इस सर्च पॉइंट को हम ले लेंगे, तो अब आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, दूसरा सर्च पॉइंट फाइंड करना है, वो कैसे होगा, ए यहाँ पे 0.458363 प्लस बी है 1.1985 माइनस ये वाला सर्च पॉइंट 0.741622, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.1 है यहाँ पे 1.1985 माइनस 0.741622 प्लस 0.458363, ठीक है, यह आ गया है 0.0916726, ठीक है, ये वाला सर्च पॉइंट आ गया। अब इसको हम बिगर वन को यूजली बाद में लेते हैं, तो आप देख लें इसको हमें कहना चाहिए x8 और इसको x7, लेकिन इतना मैटर भी नहीं करता है, लेकिन देख लें अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफ नोटेशन रखना चाह रहे हैं तो आप इसको कह लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको x8 कह देता हूँ, इसको x7 कह देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इन पॉइंट्स के ऊपर फिर फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है मैंने, तो y ऑफ x8 हमें चाहिए, y ऑफ x7 मुझे पहले ही पता है, वो है 0.546852, ठीक है। सो जब फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करूँगा तो y ऑफ x7 क्या आ जाएगा, y ऑफ x7 क्या आएगा, आपको पता है क्या है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है अभी, x7 के ऊपर वैल्यू है फंक्शन की 0.546852, 0.546852, और y ऑफ x8 क्या आ जाएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है, और x8 है हमारे पास 0.916726, और cos ऑफ 0.916726, तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास 0.557755। अब ये आपकी वैल्यू फिर बिगर हो गई है x8, तो फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो किस तरफ चला गया, वो इस पॉइंट x8 की तरफ चला गया। अब मेरे पास इंटरवल क्या आ जाएगा, इंटरवल मेरे पास आएगा फंक्शन का जो इंटरवल है वो मेरे पास आएगा कौन सा पॉइंट, 741622 से 0.741622 से कहाँ तक जाएंगे, हम इंटरवल के एंड पॉइंट तक जाएंगे 1.1985, ठीक है, 1.1985। ओके, इस इंटरवल में आप मैक्सिमा इसमें फाइंड करना है। एक मैं स्टेप चलें आपके लिए और कर देता हूँ,
अब आपके पास दो सर्च पॉइंट्स आपको चाहिए, एक सर्च पॉइंट आपको पहले ही पता है, वो सर्च पॉइंट क्या है? वो सर्च पॉइंट है आपके पास इस इंटरवल में जो लाइक आ रहा है वो है 0.916726, ठीक है, 0.916726। ओके, अभी मैं इनको नाम नहीं दे रहा, जो इनमें से बिगर होगा उसको मैं नाम दूंगा X7 और X9 और X10 रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट आ जाएगा A प्लस बी 1.19985 माइनस 0.916726, वो सर्च पॉइंट जो हमें ऑलरेडी नोन है, 1.19985 माइनस 0.916726 प्लस 0.741622। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 1.024881। तो अब इसको मैं कहता हूँ ये X10 है, ये वाली X9 है, ठीक है। ओके, अब ये X9 और X10 मुझे मिल गए, तो X9 Y ऑफ X9 मुझे पता है ना, Y ऑफ X9 क्या आएगा, वो है यही पॉइंट है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.557755। और Y ऑफ X10 क्या आ जाएगा, Y ऑफ X10 मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ 1.02488। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.53121188, ठीक है। ये मेरे पास अब नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब फिर ये वाली वैल्यू उससे स्मॉलर है, तो मैक्सिमा इस तरफ चला गया। मैक्सिमा अब कौन से इंटरवल में आएगा, मैक्सिमा आएगा अब इस इंटरवल में 0.916726 से 1.19985। अब ये देखें ये मैक्सिमा कितना क्लोजली सैंडविच हो गया ऑलरेडी, अभी हम 14 पॉइंट्स पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हमने टोटल कितने पॉइंट्स किए हैं, X10 तक, तो ये हमने बेसिकली 9 और 10, 11 पॉइंट्स हमने किए, 14 पॉइंट सर्च नहीं हमने की। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो हमने ओरिजिनल किया था डाइकोटमस सर्च से, इसी को सॉल्व किया था, उससे हम ऑलरेडी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इससे इसके बाद भी हम आइट्रेशन कर सकते हैं इसके, लेकिन मतलब हमें 14 पॉइंट सर्च कहा गया है, तो 2-3 आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ताकि मैं एक और नया मेथड कर लूँ और मजीद हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड ना करें। तो फिबोनाची सर्च क्या है, फिबोनाची सर्च में आपने क्या करना है, पहले L2 फाइंड करना है। L2 का आपके पास जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, Fn-1/Fn और मल्टीप्लाई दिस विद लेंथ ऑफ द इंटरवल, और फिर -1n/Fn, ये सब फिबोनाची नंबर्स हैं ना। तो n आपके पास नोन होता है हमेशा, एप्सिलॉन भी नोन होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल भी नोन होती है ना, ये सब चीज़ें इसमें नोन है। तो ये आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास L2 आ जाएगा। जब आपके पास L2 आएगा तो इससे आप दोनों पहले सर्च पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद वाले जो सर्च पॉइंट्स हैं वो इन्हीं सर्च पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक आप इन्हीं में से ले लेंगे जो आपके नए इंटरवल में लाई करता है, और दूसरा आप कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे के लिए आपको पता है कि ए प्लस बी माइनस जो सर्च पॉइंट ऑलरेडी आपको नोन है वो उससे आप फाइंड कर लेंगे आपका सेकेंड सर्च पॉइंट। तो हर स्टेज के ऊपर आप एक नया सर्च पॉइंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नया सर्च पॉइंट ऐड कर रहे हैं। डाइकोटमस सर्च में हम दो नए सर्च पॉइंट्स ऐड करते थे, अब फिर दोबारा एक के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू पता होगी, दूसरे के ऊपर आप इवैल्यूएट करेंगे, तो आपके पास जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो आपकी बहुत क्लोज होती जाएंगी मैक्सिमा से, ठीक है, जो आप मैक्सिमा फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली फिबोनाची सर्च है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कि इसमें सर्च पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं और इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे वर्क करेगी, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर वही बात है, मैथमेटिकल साइड में अगर आप इंटरेस्टेड हों इसकी, तो प्लीज़ अपनी बुक ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, शायद मैं नोट्स में भी थोड़ी इसकी मैथमेटिकल साइड डाल दूँ, लेकिन फिर वही बात है, कोर्स में हम फोकस नहीं है मैथमेटिकल साइड पे इतना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो मेथड करना है उसको हम कहते हैं
गोल्डन सेक्शन सर्च, ठीक है, गोल्डन सेक्शन सर्च है हमारे पास, बहुत सिंपल है, फिबोनाची की तरह है लेकिन फिबोनाची से भी आसान है, गोल्डन सेक्शन सर्च है। ओके, अब क्या है, आपको पता है कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं ना, फिबोनाची नंबर्स आपको पता है सारे, तो कुछ मैं फिबोनाची नंबर्स अगर लिखूं यहाँ पे, तो फिबोनाची नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं एन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एफ एन लिखूंगा, एन और एफ एन, ठीक है। अच्छा, अब जीरो के लिए फिबोनाची नंबर वन है, वन के लिए फिबोनाची नंबर वन है, टू के लिए फिबोनाची नंबर है टू, थ्री के लिए फिबोनाची नंबर है थ्री, ठीक है, और फोर के लिए फिबोनाची नंबर है फाइव, और सिक्स के लिए फिबोनाची नंबर है एट, और सेवन के लिए फिबोनाची नंबर है क्या, थर्टीन, ऐसे ही है ना। और एट के लिए फिबोनाची नंबर क्या आएगा, थर्टीन प्लस एट, तो थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी, ट्वेंटी वन हो जाएगा ये। नाइन के लिए फिबोनाची नंबर क्या हो जाएगा, थर्टी फोर हो जाएगा। टेन के लिए फिबोनाची नंबर आएगा फिफ्टी फाइव। इलेवन के लिए फिबोनाची नंबर आएगा एटी नाइन, और ट्वेल्व के लिए फिबोनाची नंबर आएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, मैं दोनों को ऐड करूँ आप भी कर लें, ये हो जाएगा एट फाइव फोर, वन फोर्टी फोर है शायद ये, ठीक है। और फिर थर्टीन के लिए फिबोनाची नंबर क्या आएगा, ये आपको पता है, फोर्टीन के लिए भी पता है, ठीक है, ठीक है। जीरो के लिए वन है, वन के लिए भी वन है, टू के लिए वन प्लस वन टू हो जाएगा, थ्री के लिए थ्री है, फोर के लिए फाइव प्लस थ्री एट है, सिक्स के लिए थ्री के लिए थ्री है, फोर के लिए फाइव है, सिक्स के लिए एट है। ओके, एक नंबर हमने मिस कर दिया इसमें, आपने शायद नोटिस कर लिया हो, वो नंबर कौन सा हमने मिस किया, वो नंबर हमने मिस किया है, यहाँ फाइव होना चाहिए ना, फोर के बाद फाइव आता है, जो आपने मिस कर दिया, मतलब हमने मिस कर दिया। ओके, इसको हम अगर इंक्लूड करेंगे ना, बाकी कैलकुलेशन ठीक है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, ये इलेवन है, ये ट्वेल्व हो जाएगा टू थर्टी थ्री, ठीक है। और थर्टीन फिर क्या हो जाएगा, अभी हमने यूज़ किया फोर्टीन, हमने यूज़ किया क्या था वो, दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, प्लस वन फोर्टी फोर, ये है थ्री सेवेंटी सेवन, और ये वाला था सिक्स टेन, ठीक है। ये हमारे पास फिबोनाची नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये सारे फिबोनाची नंबर्स आप इसमें से देखें, और एक चीज़ मैं और बनाना चाह रहा हूँ छोटी सी, इनका रेशो अगर हम देखें ना, इनका रेशो अगर मैं कंसिडर करूँ, रेशो मैंने बनाना है एफ एन, एन है तो एन के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन, ये रेशो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये रेशो बनाऊंगा ना, अब ये देखें जीरो के लिए तो ये रेशो नहीं बनती ना, जीरो के लिए एफ एन माइनस वन है नहीं, वन के लिए अगर मैं बनाऊँ तो एफ जीरो ओवर एफ वन, ठीक है, एफ जीरो ओवर एफ वन क्या हो जाएगा वन। टू के लिए अगर मैं ये रेशो बनाऊँ तो टू के लिए क्या आ जाएगी, ये टू के लिए आ जाएगी ये वन ओवर टू, वन बाई टू, ठीक है, जीरो पॉइंट फाइव। थ्री के लिए ये क्या आ जाएगी, एफ टू ओवर एफ थ्री, टू बाई थ्री आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एन एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन रखूँ तो ये एन क्या आ जाएगा, एन को अगर मैं फोर ले लूँ तो ये रेशो क्या आएगी, एन को फोर ले लूँगा तो ये रेशो आएगी थ्री बाई फाइव, ठीक है, ये आ रही 0.6, ये आ रही ना 0.6। फोर के लिए और फिर फाइव के लिए अगर मैं करूँ तो फाइव के लिए क्या आएगी, फाइव के लिए ये आ जाएगी फाइव बाई एट, ठीक है, फाइव डिवाइड बाई एट, तो ये आ जाएगी 0.625। सिक्स के लिए करूँगा, सिक्स के लिए करूँगा तो ये आ जाएगी एट बाई थर्टीन,
ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट चाहिए, ये गोल्डन रेशो इनकी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो गोल्डन रेशो मुझे चाहिए अभी 0.6153। अगर मैं 7n को ले लूँ, n को 7 ले लूँ, तो ये रेशो क्या आएगी, ये आ जाएगी 7 है 21, सो 13/21 ये आ जाएगी 0.6190। ओके, 8 के लिए दो तीन और करनी है बस, 8 के लिए करूँगा तो ये हो जाएगी 21/34, ये हो जाएगी 0.6176। और 9 के लिए, 9 के लिए है 34/55, ये हो जाएगी 0.618181। 10 के लिए, 10 के लिए आप देखें ये हो जाएगी 55/89, तो यहाँ पे आ रही है 0.6179, ठीक है। और फाइनली आखिरी में लिख रहा हूँ 11, 11 के लिए आ जाएगी 89/144, 89/144, तो ये मेरे पास आ रही है 0.6180। ओके, अभी ये क्लियर इतना नहीं हुआ, तो मैं दो तीन अगर आप अलाउ करें प्लीज़ तो मैं और कर लेता हूँ। 12 के लिए आप देखें, 12 के लिए क्या आएगी, ये 144/233, तो ये रेशो आ रही है 0.6180। ओके, अच्छा चलें, अगर 13 के लिए करूँ, 13 के लिए करूँगा तो ये हो जाएगी 233/377, ये आ रही है 0.6180। 14 के लिए करूँगा, 14 के लिए आ जाएगी 377/610, ये क्या आ रही है, ये आ रही है 0.6180। ओके, अब आप थोड़ा इसको केयरफुली देखें, ये जो ही मैं नंबर n बढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो ये जो रेशो है इसकी, ये एक ख़ास नंबर को कन्वर्ज कर रही है। वो ख़ास नंबर क्या है, 0.6180, ये भी 0.6180 है, ये भी 0.6180 है, ये भी 0.6180 है, ये भी 0.6180, तो ये इस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही है। जितने भी रेशोज मैं ले रहा हूँ ये सब इसी नंबर की तरफ जा रहे हैं। चार डिजिट के बाद इनमें मे भी एक वैल्यू का फर्क हो, फिर अगले में वो भी सेम हो जाएगी, उससे अगले में वो भी सेम हो जाएगी, तो जितना आप n बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये खास नंबर को अप्रोच कर रही है। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस का के जो कंजेक्यूटिव एलिमेंट्स का रेशो है, ये खास सीक्वेंस को अप्रोच कर रही है, खास नंबर को अप्रोच कर रही है। अगर शायद इस नंबर का आपने नाम सुना हो, ये नंबर आप पहले से रिकग्नाइज करते हो, इस नंबर को हम कहते हैं ये गोल्डन रेशो है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, ये गोल्डन रेशो है। गोल्डन रेशो क्या है, वो नंबर है 0.618034, ठीक है, ये नंबर होता है गोल्डन रेशो। ये गोल्डन रेशो नंबर को कन्वर्ज कर रही है ये सारी की सारी वैल्यूज जो इसके फ्रैक्शंस की हैं, और इस फ्रैक्शन को मैं कहता हूँ ये बीटा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन बीटा है ये किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, ये गोल्डन रेशो नंबर को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब गोल्डन रेशो होता क्या है, ये नंबर आपने पहले देखा हुआ है, और इसके यूजेस क्या हैं, ये बहुत वाइडली यूज नंबर है। आप नंबर थ्योरी में इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे, इवन डिज़ाइन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये यहाँ पे ये गोल्डन रेशो के कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दी हैं मैंने, कि कहाँ कहाँ ये गोल्डन रेशो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे भी गोल्डन रेशो इन सब फिगर्स में है, लेकिन आप ज़ाहिर है ये चीज़ें स्टडी करने की है, इन चीज़ों की डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो फिर आपको पता चलेगा गोल्डन रेशो है। लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में गोल्डन रेशो अपीयर होता है। आप देखिएगा प्लीज़ कैसे अपीयर होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हों। ज़ाहिर है हमारे कोर्स का ऐसा पार्ट नहीं है, तो हम इतना इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में गोल्डन रेशो अपीयर होता है। गोल्डन रेशो होता क्या है, ये नंबर जो गोल्डन रेशो जिसको हम कह रहे हैं ना 0.618034, ये नंबर एक्चुअली है क्या, इस नंबर की डिटेल आगे अपीयर हो रही है, लेकिन अभी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये गोल्डन रेशो, ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है, √5-1/2, ठीक है, ये आपके पास गोल्डन रेशो नंबर है, ठीक है। ये है 0.618034, ठीक है, ये गोल्डन रेशो है।
और आपके फिबोनाची सीक्वेंस के जितने भी ये एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन ये रेशोज हैं, अगर एन आप लार्ज करते जाएंगे तो ये एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन कन्वर्ज करेगा फाई को, ये सब के सब गोल्डन रेशो को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि जब फिबोनाची सर्च हम बना रहे थे उसमें ये हमने रेशोज यूज किए थे ना, एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन। अब हम वहां पे ये रेशोज यूज कर रहे होते हैं और हर अगर आप नंबर ऑफ सर्च पॉइंट्स चेंज कर दें तो ये हम जो रेशो है वो चेंज हो जाती है ना, लेकिन ये रेशो कहाँ तक चेंज होती है? आप जितने ज्यादा सर्च पॉइंट्स लेंगे ये इन द एंड जो गोल्डन रेशो को कन्वर्ज कर रही है ना, गोल्डन रेशो को, तो हम अगर इस रेशो को लेने के बजाय डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट नंबर गोल्डन रेशो ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा ना। हमने पूरे जो जितनी भी इसमें रेशोज यूज हो रही हैं उसकी बजाय हम वहां पे जो गोल्डन जो रेशो यूज करें उसकी जगह ये नंबर जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ये नंबर हम यूज करेंगे ना तो इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है जो एज इट इज पहले हम एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे। अब वहां पे देखें L2 जो लेंथ ऑफ द इंटरवल का फॉर्मूला था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें ये अपीयर हो रहा था एफ एन माइनस वन और एफ एन ये रेशोज अपीयर हो रही थी, उस सब को रिप्लेस करके मैंने ये गोल्डन रेशो नंबर से रिप्लेस कर दिया। और रो क्या है? रो बस गोल्डन रेशो है 0.618034, तो ये रो आपका गोल्डन रेशो हो गया। अब आपने लेंथ ऑफ द इंटरवल फाइंड कर ली, लेंथ ऑफ द इंटरवल जो सेकंड इंटरवल है वो इंपॉर्टेंट थी, वहां पे भी वही यूज करके हमने x1 x2 बनाया था, यहां पे भी वही यही लेंथ यूज करके मैं x1 और x2 बना रहा हूं। जो ही मुझे l2 मिलेगा बाकी सब कुछ फिबोनाची सर्च है, लेकिन गोल्डन सेक्शन सर्च बहुत सिंपल है ना, उससे गोल्डन सेक्शन सर्च में ये सिर्फ एक कॉन्स्टेंट नंबर यूज हो रहा है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब की सब वही हैं जो फिबोनाची सर्च में यूज हो रही थी, इसके अलावा कोई नई डिटेल इसमें अपीयर नहीं हो रही। ठीक है, तो अब अगर आप उसी एग्जांपल को सॉल्व करना चाहें इससे कर लें कोई मसला नहीं। तो L2 आपके पास क्या आएगा, ये गोल्डन रेशो का नंबर 0.618034 टाइम्स 3.141593, तो ये L2 आपके पास है, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया 0.618034 into 3.141593, तो ये मेरे पास आ गया 1.941611। ठीक है, ये वैल्यू देखें उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इतनी ज्यादा लेकिन डिफरेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखें यहाँ x1 क्या आ जाएगा, x1 पाई माइनस 1.941611 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.141593, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1.199981। ठीक है, 85 के बजाय 81 आ गया। और x2 आपके पास क्या आ गया, x2 आ गया आपके पास 1.941611। ठीक है, ए जीरो है। अब आपके पास ये दो सर्च पॉइंट्स आ गए, ये दो सर्च पॉइंट्स आपने निकाल लिए, फिर इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू वैल्यूएट कर ली और बस इससे आगे चलेगा फिर, तो जरा सा बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है गोल्डन रेशो सर्च में और जो फिबोनाची सर्च है, लेकिन ये इसमें वैल्यूएशन थोड़ी सिंपल होती है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना फर्क है जस्ट। तो वाई ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, y of x1 आ जाएगा आपके पास बेसिकली ओके, तो ये आ जाएगा इनटू कॉज ऑफ तो ये बेसिकली वैल्यू आ रही है आपके पास 0.434849। और वाई ऑफ एक्स टू क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स टू की वैल्यू आ रही है आपके पास 1.941611, तो 1.941611 कॉज ऑफ 1.941611।
तो ये मेरे पास आ रही है माइनस 0.7035। तो आपको पता है ये वैल्यू बिगर है, और बस इसके बाद आप आगे स्टार्ट कर देंगे। और ये वैल्यू बिगर है तो आपका जो मैक्सिमा है वो कौन से इंटरवल में चला गया है, ज़ीरो से ये वाला जो जो पॉइंट है x2 पॉइंट क्या है 1.941611, ठीक है, यही पॉइंट है ना। ओके, अब ये इस इंटरवल में आपने मैक्सिमा है, एक वैल्यू आपको पता है कि आपको पहले ही पता है, एक सर्च पॉइंट और दूसरा सर्च पॉइंट आपने फाइंड करना है। एक सर्च पॉइंट इसके अंदर कौन सा लाई करता है पहले से, इसके अंदर सर्च पॉइंट लाइव कर रहा है 1.1981, तो 1.1981, ठीक है, ये आपका सेकंड सर्च पॉइंट आप ले लें इसको। तो फर्स्ट सर्च पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो जो कि ए है, ए प्लस बी 1.941611 माइनस 1.1981, ये आपके पास आ जाएगा। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, 1.941611 माइनस 1.1981, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है 0.74163, ठीक है, ये वाला पॉइंट है दूसरा। तो अब ये आपके पास डिटेल सारी क्लियर हैं, इसके बाद आपने क्या करना है ये भी आपको पता है। इन पॉइंट्स के ऊपर इसको आप x3 कहेंगे, इसको आप x4 कहेंगे, y ऑफ x3 आप कैलकुलेट करेंगे, y ऑफ x4 आप कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसी तरह आप आगे चलेंगे। जिस तरह फिबोनाची सर्च एग्जैक्टली हो रही थी उसी तरह ये सर्च स्टार्ट हो जाएगी, और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, मैक्सिमम मिनिमम आपको मिल जाएगा। गोल्डन रेशियो सर्च जो है वो फिबोनाची सर्च से थोड़ी सी कम एफिशिएंट है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, ठीक है। गोल्डन रेशियो नंबर हमें पहले ही पता है, फ्रैक्शंस वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी होती हैं, और आपको फिबोनाची नंबर्स का भी इतना पता होना ज़रूरी नहीं है, तो ये सब थोड़ा सा आसान है इसकी कंप्यूटेशंस, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क है, एक आध आइट्रेशन का फ़र्क पड़ता है इसकी जो इसकी एक्यूरेसी है उसमें। तो फिबोनाची सर्च जो हमने तीन मेथड्स देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, उसके बाद गोल्डन रेशो थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी उससे कम एक्यूरेट है, और डाइकोटमस सर्च उससे कम एक्यूरेट है, और सबसे कम एक्यूरेट जो है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है बेसिकली। ओके, सो ये आपके पास हो गया फिबोनाची सर्च का एल्गोरिदम, और आपके पास गोल्डन रेशो सर्च का एल्गोरिदम। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ गोल्डन रेशो और गोल्डन सेक्शनिंग कैसे होती है, गोल्डन रेशो कैसे आता है। अब ये देखें, वही एज इट इज़ बात है कि आप ये इंटरवल है आपका I1, इसके अंदर दो आप सर्च पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे ना, दो सर्च पॉइंट्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे ये आपको पता है, ठीक है। तो दो सर्च पॉइंट्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्टैंडर्ड रहेगा, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड वे है पहले दो सर्च पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके बाद आपने ये अगर आपका जो लेंथ है इंटरवल की वो आप जो मैक्सिमम है वो इस तरफ आ रहा है, तो ये वाली लेंथ आप कंसिडर करते हैं ना, उसके अंदर एक पॉइंट पहले ही लाई कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट उसके अंदर पहले ही है। दूसरा पॉइंट आप कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा पॉइंट आपके पास आपने अभी देखा कि क्या वे है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि इन दोनों को आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये लेंथ पूरी यहाँ पे पहुँच गई, उसमें से आप ये माइनस करते हैं, ठीक है, सॉरी यस बेसिकली इन दोनों को आप ऐड करते हैं, और उसमें से ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका सर्च पॉइंट है उसको माइनस करते हैं, तो आपके पास दूसरा सर्च पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह आप हमेशा सर्च पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी ये आप करते हैं ना, तो उसमें से फिर माइनस करते हैं ये वाला पॉइंट, जो भी सर्च पॉइंट पहले से नॉन होता है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो आई टू है अगर ये वाला नहीं लेंगे तो फिर ये वाला लेंगे ना, ये आपको पता है उसमें एक सर्च पॉइंट ये है, ठीक है। और इसी तरह आप उसके बाद नेक्स्ट जो सर्च इंटरवल है वो ये होगा, और बेसिकली आई वन जो है वो आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल होगा ना, ये आई थ्री है और ये आई टू है, तो आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल होगा, और आई टू जो है वो गोल्डन रेशो टाइम्स, आपको पता है गोल्डन रेशो टाइम्स आई वन ही का था ना आई टू की जो लेंथ थी, और इसी तरह आई थ्री जो है वो गोल्डन रेशो टाइम्स लेंथ ऑफ आई टू होगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा उसमें, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी फाइव की,
माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव ओवर टू, और इसमें से जो स्क्वायर रूट फाइव माइनस वन ओवर टू है वो गोल्डन रेशियो आपकी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है इससे डायरेक्टली कि जो गोल्डन रेशियो सर्च है वो आपको कौन सी वैल्यूज दे रही है, ठीक है। तो ये आपके आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट की चीज है कि गोल्डन रेशियो हमारे पास ये इंटरवल्स में कहां से आ जाता है। तो इंटरवल्स में गोल्डन रेशियो आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल बात। ओके, तो इन जनरल फाइनल इंटरवल जो है उसकी गोल्डन रेशियो को आप हर स्टेज के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उससे, तो इन जनरल आपका जो फाइनल इंटरवल है उसकी लेंथ ही आएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंपैरिजन है इनका, डाइकोटमस सर्च और गोल्डन सेक्शन और फिबोनाची सर्च है। ये गोल्डन सेक्शन जो रिडक्शन है, सॉरी, ये डाइकोटमस सर्च का रिजल्ट है। ये आपका जो रिजल्ट है वो गोल्डन सेक्शन का है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये फिबोनाची का, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इवेल्युएशन हैं, जितनी आप इवेल्युएशन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप बेसिकली आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका कंपैरिजन है वो आपको ये बताता है कि 2% ऑफ द ओरिजिनल इंटरवल, जो मतलब जो जिस इंटरवल से आपने स्टार्ट किया था ना, जो आपका इंटरवल ऑफ एक्यूरेसी है जिसके अंदर आप मैक्सिमम मिनिमम पड़ा हुआ है वो ओरिजिनल का अगर 2% हो जाए, ठीक है, आपने 98% इंटरवल जो है वो गेट रेड कर दिया, तो आपके पास बाकी जो इंटरवल है वो 2% बचना चाहिए। तो उससे आपको कितनी आइट्रेशन चाहिए? डाइकोटमस सर्च कहता है 12 आइट्रेशन आपको चाहिए, गोल्डन सेक्शन आपको 9 है, फिबोनाची 8 है। फिबोनाची सबसे एफिशिएंट है, इन दोनों में बहुत कम एक आइट्रेशन का फर्क है, कभी कभी इन दोनों में एक आइट्रेशन का भी फर्क नहीं होगा। और एग्जॉस्टिव सर्च कहती है 99 आइट्रेशन लगेंगी, ठीक है, इसको आपने अपने ओरिजिनल लेवल पे लेके आने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों तीनों का आपस में कंपैरिजन है। तो सबसे बेस्ट जाहिर है फिर फिबोनाची सर्च है, उसके बाद गोल्डन सेक्शन है, फिर डाइकोटमस है, ठीक है। तो जो आपको सिंपल लगे बेसिकली वो यूज कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन एक से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, दूसरे से थोड़ा देर में मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आप इवेंचुअली सब केसेस में आप अचीव कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमा का, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आपको चाहिए नंबर ऑफ इवेल्युएशंस और जो भी डिटेल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो मेथड्स थे जो हमने आज किए, टाइम हमारे पास फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिर असेंट और डिसेंट मेथड्स, जो ग्रेडियंट मेथड्स हैं बेसिकली, उनकी बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में आपके लिए समराइज कर देता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं। तो गोल्डन सेक्शन सिंपल है और ऑलमोस्ट ऑप्टिमल है, ठीक है, लेकिन फिबोनाची सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने फिबोनाची सर्च की बात की और गोल्डन सेक्शन सर्च की बात की। लास्ट टाइम जो हमने फिबोनाची सर्च जिसको कहा था उसको हम डाइकोटमस फिबोनाची सर्च कह देते हैं, वो भी डाइकोटमस सर्च जैसी थी, हर स्टेज के ऊपर हम दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उससे हम जो रिजल्टिंग हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे थे। जो फिबोनाची जो ज़्यादा क्लोज है फिबोनाची के, जो मेन फिबोनाची है, वो हमने आज डिस्कस की है। आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल L2 आपने फाइंड कर लेनी है, वो इंटरवल होगा जो आप वन आइट्रेशन के बाद आपके पास आ जाएगा। मैथमेटिकली पॉसिबल है इसको फाइंड करना, आपको मैंने फार्मूला बता दिया जिससे आप फाइंड करेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आइट्रेशन आप कितनी चाह रहे हैं, तो जितने आप टोटल सर्च पॉइंट्स चाह रहे हैं उतने आप सर्च पॉइंट्स ले लें। यहाँ पे हम 14 पॉइंट सर्च कह रहे थे तो n 14 हो जाएगा। उसमें आप वैल्यूज पुट करें, आपको फिबोनाची रेशियो चाहिए होगी fn माइनस वन ओवर fn, और लेंथ ऑफ द इंटरवल चाहिए होगी, वो हमेशा आपको पता होती है, हमारे केस में पाए थी। और उसके साथ आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फार्मूला आपको याद हो गया होगा, माइनस वन टू द पावर एन ओवर फिर फिबोनाची नंबर है एफ एन टाइम्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वो नंबर है जो आपको ये भी पहले से नोन होता है, ठीक है। तो जब आप एल टू कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद दो सर्च पॉइंट्स, पहले दो सर्च पॉइंट्स ईजी हैं, एक आप ए में L2 ऐड करके बनाते हैं और दूसरा बी में से L2 माइनस करके बनाते हैं, तो ये दोनों सर्च पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों सर्च पॉइंट्स के साथ आप क्या करेंगे,
फंक्शन की वैल्यू इनके ऊपर इवेल्यूएट करेंगे और फिर देखेंगे किस तरफ बिगर वैल्यूज आ रही है, मैक्सिमा अगर फाइंड करें तो वो वाला इंटरवल जैसे डाइकोटमस सर्च में लेते थे वही वाला इंटरवल आप ले लेंगे और उसके उसके अंदर फिर फंक्शन को दोबारा हम मैक्सिमाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट दो सर्च पॉइंट्स आपने कैसे लेने हैं, नेक्स्ट दो सर्च पॉइंट्स डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। एक सर्च पॉइंट वही लेना है जो उस इंटरवल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपको पता है कि हम इंटरवल बिगर लेते हैं ना, तो अगर आपने जीरो से इंटरवल स्टार्ट करना है तो आप फर्स्ट सर्च पॉइंट तक नहीं लेते बल्कि सेकंड सर्च पॉइंट तक लेते हैं। तो फर्स्ट सर्च पॉइंट जो है वो ऑलरेडी इंटरवल के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी पता है। एक आप वही सर्च पॉइंट ले लेंगे, दूसरा आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो नया इंटरवल आया उसके एंड पॉइंट्स अगर ए और बी हो तो ए प्लस बी और माइनस जो सर्च पॉइंट आपका ऑलरेडी उस इंटरवल में कंटेंट है, ये आप करेंगे तो आपके पास उस इंटरवल में आपके पास दूसरा सर्च पॉइंट आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करें और इसी तरह आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आपको मिल जाएगा। तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत आसान है। अब इससे भी आसान हम करते हैं नेक्स्ट में, स्टेप सारे एज इट इज रहेंगे लेकिन हम जो सर्च पॉइंट्स हैं वो पहले दो सर्च पॉइंट्स में फर्क पड़ेगा, बाकी सब सर्च पॉइंट्स एज इट इज फाइंड करेंगे। पहले दो सर्च पॉइंट कैसे फाइंड होंगे, अब जो लेंथ ऑफ एल टू है उसमें अपीयर हो रहे थे फिबोनाची सर्च में जो रेशोज हैं फिबोनाची नंबर्स के। अब हमने फिबोनाची नंबर्स के रेशो कैलकुलेट करके देखे, वो हमें पता चला कि एक खास नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। वो खास नंबर क्या था, वो खास नंबर है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। और ये नंबर क्या है, ये 0.618034 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो जो ही आप फिबोनाची नंबर्स की रेशो में n बड़ा करते जाते हैं तो आपके पास जो जितनी भी फिबोनाची रेशोज हैं सबकी सब n को सबकी सब जो है गोल्डन रेशो को कन्वर्ज करती है। तो गोल्डन रेशो जो नंबर है उसी को हम ले लेते हैं और उसको लेंथ ऑफ L1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो L2 क्या आएगी, गोल्डन रेशो टाइम्स लेंथ ऑफ द ओरिजिनल इंटरवल। तो अब ये आपके पास L2 आ गई, अब बाकी सब कुछ वही है जो फिबोनाची सीक्वेंस में होता है। फर्स्ट सर्च पॉइंट फाइंड करना है आप B में से L2 माइनस कर दें, सेकंड सर्च पॉइंट फाइंड करना है आप A में L2 ऐड कर दें, तो ये सारी चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। सर्च पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे और फिर मैक्सिमा मिनिमा की वही जिस तरह फिबोनाची में हम कर रहे थे वो सारे के सारे वे हमारे पास यूज होगा। फिर नेक्स्ट में आपको पता है एक सर्च पॉइंट उस इंटरवल में ऑलरेडी कंटेंड होगा, दूसरा आप फाइंड कर लेंगे ए प्लस बी माइनस वही सर्च पॉइंट जो इंटरवल में कंटेंड है और आपके पास दूसरा सर्च पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं जिससे हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। और आपने ये देख लिया है कि इतना डिफिकल्टी कभी भी नहीं होती हमें सर्च यहाँ पे सर्च मेथड से फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने की, सिर्फ एक ही डिफिकल्टी होती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती, कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। जितना फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो इन सर्च पॉइंट में फिर वैल्यूज कैलकुलेट करनी थोड़ी मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन हमारे पास इम्पॉसिबल नहीं है, हम फंक्शन की वैल्यूज उन पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा हमें कोई कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन सर्च मेथड जो है काफी यूजफुल है कि हम तक बहुत सारे फंक्शंस के ऊपर इसको लगा सकते हैं, ना कोई कंटिन्यूटी की कंडीशन है ना कोई डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, सब की सब चीजें इसमें इंक्लूडेड, फिर फंक्शन के ही ऊपर सब कुछ हम इवेल्युएट करते हैं और उसी से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। तो होपफुली ये सर्च मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे, ये जीरोथ ऑर्डर के मेथड्स थे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इससे आगे ग्रेडियंट जिसमें फिर डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाएंगे उसके कुछ मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे और ये सर्च मेथड्स वगैरह की जो स्ट्रेटजीज हैं इनको हम क्लोज करेंगे और ज़्यादा सिस्टमेटिक मेथड्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। सो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा आज का, अगर नहीं तो नोट्स को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा और फिबोनाची के डिस्टिंक्शन को याद रखिएगा जो हमने आज किया है कि लास्ट टाइम जो किया था वो उसको हम फिबोनाची नहीं कहेंगे, अब वो डाइकोटमस फिबोनाची दोनों का कम्बिनेशन है। तो बाकी आसान थी चीज़ें, इतना मुश्किल नहीं था कोई भी कॉन्सेप्ट आज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।